नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। और इस समय जो है वो देर रात फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद में देर रात से जो है वो बारिश हो रही है, और बारिश के बाद अब सुबह का किस तरीके का नज़ारा है उसको दिखाते हैं हम। देखिए जो है वो पूरा इस समय हम बल्लभगढ़ के बस स्टैंड के यहाँ पे खड़े हुए हैं। बस स्टैंड पर किस तरीके के हालात हैं आप देख सकते हैं कि लगभग जो है वो 1.5 से 2 फुट जो पानी है वो यहाँ पे भर चुका है। और तमाम शहर के पूरे रास्ते की, प्रमुख रास्तों की बात करी जाए तो प्रमुख रास्तों पर इसी तरीके का नज़ारा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए किस तरीके से बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं यहाँ पे, और भारी संख्या में जो देर रात बारिश हुई है उस बारिश के बावजूद जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। और ये देखिए हरियाणा रोडवेज की बस को जो है वो इस पानी के अंदर से ही होकर के गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी जो है वो लगातार बूंदाबांदी चल रही है। और फरीदाबाद में पूरे रात से ही जो है वो बढ़िया बारिश हो रही है, और जिस बढ़िया बारिश के बावजूद कहीं ना कहीं मौसम में ज़रूर गिरावट आई है, मौसम में जो कमी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम के पूरे दावे जो है वो फेल होते दिखाई देते हैं। हर साल जो है वो करोड़ों रुपए रिन्यूअल के नाम पर जो है वो नगर निगम की तरफ से खर्च किया जाता है कि वाटर ट्रीटमेंट के नाम पर खर्च किया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो जीरो होती है। और इसी तरीके देखिए सामने बूस्टर बनाया हुआ है पानी निकालने के लिए, क्योंकि हर साल जो है वो इस बस स्टैंड पे इसी तरीके का हालात होते हैं। और इसी तरीके के हालात के बावजूद जो है वो लगातार नगर निगम हर बार दावे करता है, खर्चे होते हैं, करोड़ों रुपए के बिल बनते हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत की बात करी जाए तो इसी तरीके के हालात जो हैं वो जस के तस बने रहते हैं। आप देख रहे हैं इस समय किस तरीके के हालात। और यदि हाईवे की बात करी जाए तो हाईवे भी जो है वो इससे कोई अछूता नहीं है, पूरे तरीके से हाईवे भी इसी तरीके से रेंग रेंग के गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं, क्योंकि आज अमूमन जो है वो सोमवार का दिन है तो तमाम वो कार्यालय, चाहे फिर प्राइवेट ऑफिसों की बात करी जाए चाहे सरकारी ऑफिसों की बात करी जाए, तमाम वो कार्यालय आज के दिन खुल जाते हैं। और इसी के बावजूद किस तरीके के हालात हैं आप देख पा रहे हैं, इस समय भारी संख्या में जो है वो बारिश अभी भी हो रही है, लगातार जो है वो पूरे शहर के अंदर जाम की स्थिति बनी हुई है, पूरे शहर के अंदर जगह जगह जो है वो जाम लगा हुआ है। होमगार्ड और ट्रैफिक के जवान जो है वो बाकायदा जाम को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं हर चौराहे पर, हर मार्ग पर। तो कहीं ना कहीं आज की स्थिति की बात करी जाए तो भारी संख्या में हो रही इस बारिश से जो है वो फरीदाबाद वासियों का अब कहीं ना कहीं जीना मुहाल हो चुका है। और जहाँ एक तरफ ये जरूर राहत की बात है कि फरीदाबाद वासियों को जो है वो गर्मी से जरूर राहत मिली है, और गर्मी से राहत मिलने के बावजूद जो है वो आप देख सकते हैं ये वाहन किस तरीके से रेंग रेंग के आ रहे हैं और किस तरीके से जो है वो निकल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है बारिश के चलते जो जिस तरीके से जलमग्न हुआ है पूरा शहर आप देख सकते हैं, ये हरियाणा रोडवेज की बसें किस तरीके से जा रही हैं और किस तरीके से जो है वो आ रही हैं, पानी की झाल जो है वो हमारे पैरों पर तक पहुंच रही हैं। भारी संख्या में जो है वो देर रात से हो रही बारिश के बावजूद हालात जो है वो शहर के बद से बदतर हो चुके हैं, और पूरे तरीके से आप देख पा रहे हैं इस समय हालात बिल्कुल असामान्य हो रखे हैं और पूरे जल भराव की स्थिति जो है वो यहाँ शहर के अंदर देखने को मिल रही है। फिर चाहे किसी भी मार्ग की बात करी जाए, किसी भी रोडवेज की बात करी जाए, या फिर बस स्टैंड की, या फिर रेलवे स्टेशन, या फिर सब्जी मंडी या अनाज मंडी, तमाम वो जगहें हैं जहाँ पर कि इसी तरीके के हालात जो हैं वो आज देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार बारिश के बावजूद अभी तो मानसून की ये पहली बरसात है, और इस पहली बरसात में ही इस तरीके के हाल इस फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी के हो गए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके के हालात और ज़्यादा भयानक हो सकते हैं।